हाँ जी भैया, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? ठीक हो? हाँ शाबाश, काम करते रहो, हिम्मत करते रहो। तो जनाब, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जनाब, एक शेर के साथ शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग और अपना एक वीडियो। ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे वैसे गुजारना। जी तो जनाब, ये शेर मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में कहता हूँ, मुझे ये शेर है ही बड़ा पसंद। इस शेर को जब मैं सुनता हूँ और जब मैं याद करता हूँ अपने, तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये शेर जो है ना, मैंने दुबई में सुना था। अब्बू के एक दोस्त थे अंकल इशफाक, उन्होंने सुनाया था। परदेश में इंसान उदास हो जाता ना, तो ये फिर शेर व शायरी चलती रहती है, तो ये चलती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये एक मोटिवेशन है मुझे इस शेर से मिलता है। तो खैर, आज का जो व्लॉग है और आज का जो फीडबैक है जो मैं देना चाहता हूँ, वो है मुबशर सिद्दीक, मुबशर के बारे में। मुबशर कौन नहीं जानता यार, सब जानते हैं इस बंदे ने। ये तीन भाई हैं मेरे ख्याल में, मुबशर, जैन और मुदस्सिर, मेरे ख्याल में ये तीन भाई हैं। मुबशर ने बड़ी मेहनत की है यार, क्योंकि इनका चैनल बनाना, उस पर एक एक चीज़ पर एफर्ट करना मेरे ख्याल में बड़ी बात होती है, ये मेहनत की बात होती है, ये कोई आम बात नहीं है। इसने अपनी मेहनत से नाम कमाया है और मेहनत से ही अपनी फैमिली मेम्बर को सपोर्ट भी किया उसने और प्रमोट भी किया उसने। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, जो लोग सपोर्ट और प्रमोट करते हैं ना, वो शक्ल से नजर आ जाते हैं। और ये बंदा है भी शक्ल से इंतहाई शरीफ, ये मेरा अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इनके बारे में। आपने जो मैंने इनके व्लॉग्स में, जैन व्लॉग्स बनाता है और अब तो मुबशर भी मेरे ख्याल में जो है ना व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया उसने, कुकिंग मेरे ख्याल में वो बहुत कम करता है, अब वो व्लॉग्स बनाता है ज़्यादातर। तो पहले मैंने एक चीज़ देखा था कि यार, जैन के व्लॉग्स में मुबशर जो है ना आता था। जैन के मोस्टली व्लॉग्स में, हर व्लॉग में तकरीबन मुबशर एक यानी कि आता था उसके व्लॉग में। अब काफ़ी टाइम से ये देख रहा हूँ मैं, नोट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैन के व्लॉग में अब मुबशर नहीं आता। अब ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं हो सकता है उनके आपस में नचाकियाँ ना हो, और नचाकियाँ होनी भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि मुबशर ने इन दोनों भाइयों को सपोर्ट किया है और प्रमोट भी किया है। तो भाई आपस में मिलजुल के रहें, आप वीडियोज़ दोबारा इकट्ठी बनाएं, व्लॉग्स बनाएं और इकट्ठे एक दूसरे के साथ मर्ज होकर काम करें। और अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इस तरह इज्जत को संभाल के रखना और इसको हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मेरा पर्सनल फीडबैक उनके बारे में ये है कि यार, आपस में व्लॉग्स बनाएं, इकट्ठे आएँ सामने, ताकि लोगों को पता लगे कि यूनिटी होती है हमारे व्लॉगर्स में भी, हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स में भी यूनिटी है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है, एक सपोर्ट है और एक प्रमोट है, जो है अपने बहन भाइयों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को करते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज था और एक अच्छा फीडबैक था जो मैं देना चाहता था इन लोगों के बारे में। और ये एक अच्छा वे है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना नाम कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं यार आप। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये फीडबैक अच्छा लगा होगा। तो मैं अब DHA क्रॉस करके घर की तरफ जा रहा हूँ, सुबह का टाइम है, बादल बड़े ज़्यादा किस्म के हैं, बड़े सामने DHA के विलाज भी बन रहे हैं। जो DHA का इलाका ना, साउंड प्रूफ इलाका है यहाँ पर, खासकर मुल्तान में, अभी नया नया बन रहा है इसलिए शायद साउंड प्रूफ है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रह गई अगले व्लॉग पे और अगले फीडबैक करते हैं मुलाकात। टिल दैट, गुड बाय एंड टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।